नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी। इस सीरीज में कई भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन वैसा नहीं था जैसा कि उनसे टीम मैनेजमेंट को उम्मीदें थी। जिन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी को निराश किया उनमें एक नाम मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का भी। वरुण चक्रवर्ती ने तीन मैचों की T20 सीरीज के दौरान डेब्यू किया और तीनों मैच मिलाकर उन्होंने मात्र 2 विकेट ही चटकाए। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रमीज राजा ने वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी रमीज राजा ने वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी में एक बड़ी कमजोरी बताई। उन्होंने कहा कि वरुण चक्रवर्ती के पास वैरायटी की कमी है और वो लगातार एक ही पेस पर गेंदबाजी करते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान रमीज राजा ने राहुल चहर की तो तारीफ की लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी में सुधार की जरूरत बताई। उन्होंने कहा, अगर आप गेंदबाजी को देखें तो राहुल चहर ने जबरदस्त गेंदबाजी की लेकिन वरुण चक्रवर्ती को अपनी गेंदबाजी में ज्यादा विविधता लानी होगी। उन्होंने पूरी सीरीज के दौरान उसी पेस पर गेंदबाजी की। इस तरह के पिचों पर वो और ज्यादा फ्लाइट और पेस से बॉलिंग कर सकते हैं। टीम इंडिया की श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में हार पर भी रमीज राजा ने बात की और बताया कि आखिर क्यों भारतीय टीम को इस सीरीज में हार झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि प्लेइंग 11 में अनुभव की कमी की वजह से भारत को इस सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया के पास बैटिंग में हमेशा काफी टैलेंट था लेकिन इस बार उनके खिलाड़ियों के पास वो अनुभव नहीं। दुर्भाग्य से हालात भी उनके लिए मुश्किल। उनके रेगुलर प्लेयर्स उपलब्ध नहीं थे जिनमें कई मैच विनर खिलाड़ी। जब आपके पास अनुभव नहीं होता है तो फिर ये पता नहीं होता है कि आप कहां फंस सकते हैं क्योंकि आप उस तरह की परिस्थितियों का सामना पहले नहीं किए होंगे। यही वजह है कि भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए।